हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कैन लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं खुशहाल सिंह। ये वीडियो सी टेट तथा टेट से संबंधित है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सी टेट टेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहां पर मॉक टेस्ट चलेगा आपका। ये टेस्ट नंबर 2 है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएं उन पर आप टिक करते जाइए और देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके पहले 15 क्वेश्चन हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो आप टिक लगा लीजिए और देखिए कि आपका आंसर कितने आंसर सही जाते हैं। तो आपने टिक कर लिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी सही है, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के, रूस के। तो आप टिक लगा लीजिए अपनी कॉपी में। तो सही आंसर यहाँ पर है अमेरिका। जो थार्नडाइक जी जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, स्किनर 1938 ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था। जो स्किनर थे उन्होंने जो नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किया था वो किस पर किया था। ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ते पर, बंदर पर। तो आप टिक कर लीजिए और सही आंसर है इसका चूहे पर। जो स्किनर ने प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। अगला क्वेश्चन है, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, शास्त्रीय अनुबंधन, पवलोवियन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो नैमित्तिक अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड एक प्रकार का है। ऑप्शन है, बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषीय प्रेरणा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन ए, बाह्य प्रेरणा। पुरस्कार एवं दंड एक बाह्य प्रेरणा के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए और टिक कर लीजिए। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगर मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ तो वीडियो को पुश करके आप टिक करके उसके बाद वीडियो को आगे चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। ऑप्शन है, पावलोव, थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोहलर। जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तन किया था वो कोहलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुबंधित क्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असत युग्म को कौन सा है या असत युग्म छांटिए।
ऑप्शन है स्किनर चूहा, थांडाइक बिल्ली, पावलव कुत्ता, कोहलर कबूतर। तो फिर आपको यहाँ पता है कि स्किनर है, उन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था, पावलव ने कुत्ता पर किया था, और थांडाइक ने बिल्ली पर किया था, कोहलर कबूतर। यही वाला गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी कोहलर कबूतर, ये युग्म असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रति स्थानांतरण के हो जाता है। ऑप्शन है विधेयात्मक, निषेधात्मक, शून्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी निषेधात्मक, क्योंकि जब एक कार्य का सीखना दूसरे कार्य में कठिन हो जाए तो इस प्रकार के जो सीखना होता है वो आपका होता है निषेधात्मक, निगेटिव सीखना इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर आप टिक करिए, आपको बताते हैं सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिकृत व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था, जो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था उसमें बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन देखें आप, उलझन बॉक्स, प्रयोगकर्ता, भोजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका भोजन, बिल्ली के लिए जो भोजन था वो पुरस्कार के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है। आंसर को आप देख लें, ऑप्शन ए बी सी और डी, सही आंसर टिक करें। सही आंसर यहाँ पर है डी आंतरिक प्रेरक वेतन। ये ऑप्शन का जो युग्म है गलत है, इसलिए यहाँ पर असत्य पूछा था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक प्रेरक ये वेतन से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पावलव के अनुबंधन प्रयोग में, ऑप्शन को यहाँ देखेंगे, पहले भोजन चूर्ण, इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी। ऑप्शन बी पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पावलव का जो अनुबंधन प्रयोग था इसमें पहले ध्वनि उसके बाद भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 नंबर, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो मॉक टेस्ट हैं वो हम आगे बनाते रहेंगे, आपकी सीटेट की पूरी तैयारी यहाँ कराएंगे, 7 जुलाई तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।